Assalamu alaikum students, I'm your English teacher. How have you been? I hope you all are fine. This is our lecture number 11 and in our previous lectures we read about Tony ke Tony jo hai wo shopkeeper se oil khareed leta hai. And when Tony arrived home, jab Tony ghar pahunchta hai, his mother was washing clothes. Uski mother kya kar rahi hoti hai? She was washing clothes. Washing क्लॉथ्स. टोनी वो ऑयल लेके जब आता है वो अपनी मदर को वो टम्बलर दिखाता है एंड द मदर वाज शॉक्ड. और उसकी मदर जो है वो शॉक्ड रह जाती है टम्बलर में ऑयल की क्वांटिटी देखकर, क्योंकि ऑयल तो वो सारा गिरा चुका होता है और वो जो टम्बलर का आउटर बॉटम होता है उसमें जस्ट थोड़ा सा ऑयल होता है जो कि टोनी वो अपनी मदर को दिखाता है. एंड द मदर वाज शॉक्ड एट द क्वांटिटी ऑफ ऑयल. और उसकी मदर कहती है कि हाउ वाज फुलिश इज टोनी, कि टोनी जो है वो कितना फुलिश है. इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि व्हेन टोनी अराइव्ड होम हिज मदर वाज वॉशिंग क्लॉथ. उसकी मदर क्या कर रही होती है? कपड़े धो रही होती है. एंड शी वाज शॉक्ड, वो शॉक्ड होती है एट द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द टम्बलर. टम्बलर में वो क्वांटिटी ऑफ ऑयल देख के शॉक्ड होती है. एंड शी थॉट, और वो सोचती है कि हाउ फुलिश इज तो टोनी, कि टोनी कितना फुलिश है. नाउ नेक्स्ट इज योर बुक रीडिंग. बुक रीडिंग में देखते हैं कि क्या हुआ. योर पैराग्राफ नंबर 4, मदर वाज वॉशिंग क्लोथ्स व्हेन टोनी अराइव्ड. वालिदा क्या कर रही थी? शी वाज वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़े धो रही थी जब टोनी वापिस आया. शी वाज शॉक्ड, वो हैरान थी एट द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द टम्बलर. ग्लास में तेल की मकदार पर वो हैरान थी. मदर स्टूड इन डिसबिलीव, वालिदा गैर यकीनी आलम में खड़ी हुई. एज टोनी टर्न द टम्बलर द राइट वे अप टू शो हर द रेस्ट ऑफ द मस्टर्ड ऑयल. जैसे ही टोनी ने ग्लास की सीधी साइड की उन मदर को वालिदा को तेल दिखाने के लिए, तो वो हैरान रह गई. शी कुड नॉट बिलीव, वो यकीन ना कर सकी हाउ फुलिश टोनी हैड बीन, कि टोनी कितना बेवकूफ है. तो दिस इज द एंड ऑफ योर यूनिट. आपके यूनिट का यहाँ पर एंड हो गया कि टोनी जो है वो सारा ऑयल गिरा चुका था और टम्बलर में कोई भी ऑयल उसके पास नहीं बचा था. नाउ दिस इज योर ट्रांसलेशन. वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स राइट करेंगे. नाउ वी विल राइट द ट्रांसलेशन ऑफ फुल सेंटेंस. जब टोनी वापिस आया, वालिदा कपड़े धो रही थी. मीनिंग पैराग्राफ इज फॉर योर होमवर्क. दूसरे पैराग्राफ की आप लोग खुद से राइट करेंगे. नाउ दिस इज योर वर्कबुक. वर्कबुक पेज नंबर 10. ऑन योर पेज नंबर 10 देयर इज अगेन सेइंग वर्ब. यहाँ पर अगेन से सेइंग वर्ब्स हैं आपके. सेइंग वर्ब्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे वर्ब्स जो के सेड को रिप्लेस करने के लिए यूज किए जाते हैं. नंबर 1 इज क्राइड. क्राइड का क्या मीनिंग होता है? रोना. हाउल्ड, चिल्लाना, चीखना. वंडर्ड, वंडर्ड होता है हैरान हुआ. वॉन्ट, वॉन्ट का मीनिंग स्टोरी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं. क्या है मीनिंग? वेरी गुड. वॉन्ट मीनिंग आगाह करना. कमांडेड, हुक्म दिया. विस्पर्ड, सरगोशी करना. ये जो आहिस्ता आहिस्ता कान में बात कर रहे होते हैं उसको सरगोशी बोलते हैं. वॉन्ट का मीनिंग क्या बताया मैंने? गा करना. हाउल का मीनिंग चीखना. वंडर, हैरान हुए. अब इनको करेक्ट मीनिंग्स के साथ मैच करना है. प्राइड, पहला ऑप्शन है इसके लिए ऑर्डरिंग समवन टू डू समथिंग फर्मली, किसी को हुक्म देना. नो, स्टर्नली एंड फॉर्मली, फॉर्मली किसी को कहना कि यही बात है और इसी को करना है. लाउडली एंड सैडली, ऊंचा और सैडली होता है गमगीन होकर. लाउडली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम के लिए ऊंचा बोलना. सॉफ्टली एंड कॉशियसली, आहिस्ता से और आराम से. सॉफ्टली एंड विद अनसर्टेनिटी, आराम से बोलना लेकिन पूरे यकीन के साथ मत नहीं बोलना. तो क्राइड के क्या मीनिंग होंगे? क्राइड को हम किसके साथ मैच करेंगे? वेरी गुड, लाउडली एंड सैडली साथ मैच करते हैं उसको. हाउल्ड, हाउल्ड होता है चीखना, उसको किसके साथ मैच करेंगे? हाउल्ड को, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो चीखते हैं उसको बोलते हैं हाउल्ड. इसके साथ मैच होगा लाउडली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वेरी गुड. वंडर्ड, वंडर्ड होता है हैरान होना, तो इसको किसके साथ मैच करेंगे? सॉफ्टली एंड अनसर्टेनिटी, कि कोई चीज कंफर्म ना होना. एंड विद अनसर्टेनिटी. वॉन्ट, वॉन्ट होता है किसी को आगाह करना. तो नंबर 4 किसके साथ मैच होगा? स्टर्नली एंड फर्मली,
कमांडेड, कमांडेड होता है किसी को हुक्म देना, तो इसका किसके साथ मैच होगा? वेरी गुड, नंबर वन के साथ, ऑर्डरिंग समवन टू डू समथिंग फर्मली। विस्पर्ड, विस्पर्ड होता है खामोशी से बोलना, आहिस्ता आहिस्ता आवाज में। विस्पर्ड को किसके साथ मैच करेंगे? सॉफ्टली एंड कॉशियसली, एहतियात के साथ बोलना। नेक्स्ट इज योर ब्लैंक, ब्लैंक फिल करेंगे। द बर्गलर डैश टू हिज अकॉम्प्लिस, बी क्वाइट, समवन माइट हियर अस। बर्गलर ने अपने साथी से कहा, चोर ने अपने साथी से कहा कि खामोश रहो, कोई हमें सुन ना ले। तो खामोशी से सरगोशी करना, इस तरह से उसको क्या बोलते हैं? विस्पर। वेरी गुड, राइट, विस्पर्ड इन दिस सेंटेंस। नॉट डैश अक्रॉस द रोड, उसको पार मत करो। टीनाज मॉम, टीना की मॉम ने उसको कहा, तो यहाँ पर टीना की मॉम उसको आगाह कर रही है, वार्न कर रही है। नाउ राइट वार्न्ड इन दिस ब्लैंक, स्पेलिंग्स आप लोग खुद फिल करेंगे, मीनिंग्स मैंने आप लोगों को राइट करवा दिए हैं। कम टू योर नोटबुक वर्क, राइट योर डे, टिक योर होमवर्क एंड योर टॉपिक इज वर्ड सेंटेंसेस। इस राइट करते हैं इनके सेंटेंसेस भी। फर्स्ट वर्ड इज टम्बलर, टम्बलर का मीनिंग सब बच्चों को पता है, ग्लास को बोलते हैं। सेंटेंस राइट करते हैं, शी ऑर्डर्ड अ टम्बलर ऑफ ऑरेंज जूस, ऑर्डर्ड अ टम्बलर ऑफ ऑरेंज जूस। वर्ड इज केयरफुल, फुल का सेंटेंस राइट करते हैं, प्लीज बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, प्लीज बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। वर्ड इज ओबे, इस ओबे का सेंटेंस राइट करते हैं, वी शुड नॉट डिसओबे और पेरेंट्स। वर्ड इज लीव, सेंटेंस राइट करते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर यकीन रखें, बिलीव इन सेल्फ। बिफोर वी हैव टर्न ओवर टू डेज वर्क, यू विल राइट नीटली ऑन योर नीट नोटबुक्स, आप इसको लर्न करेंगे एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर रफ रजिस्टर्स ऑफ योर टू डेज वर्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।